पेशेंस ही एडवांस हला रहे ना वो उनको बोलो एक बार खाली हमको टीवी से होल्ड करके दिखाओ वो खुद वो उसका हां स्टैंड फिक्स कर दिया इसका मिरर कब आ रहा है कब इसको अगर पूरा यहां पे फिक्स करना हो पड़ जाए तो वो कैसे होता है एक हुक लगाना पड़ेगा एक हुक लगेगी वो लगवा दो ना मेरे को ऐसा चाहिए कि वो ऐसा जो आता है ना हां हां वो चाहिए यह वो आई है पापा के रूम के लिए क्योंकि पापा का रूम भी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे है तो वहाँ पे टीवी की फिटिंग करवानी थी पापा के बेड की हाइट उतनी रखवाई है क्योंकि उनको उसकी आदत थी आदत तो इसलिए नीचे नहीं करवाया क्योंकि हमारा बेड बहुत नीचे है तो उसकी आदत पड़ने में हमको भी वक्त लगा इसलिए पापा के लिए इतना ही लगता है। जैसे जैसे नया घर तैयार हो रहा है वैसे वैसे अम्मी कुछ ज़्यादा खुश और फ्रेश दिखाई नहीं दे रही। हालांकि शुएब अपने शूट को भी संभाल रहे हैं और घर की चीज़ों को भी देख रहे हैं कि कहां पर कौन सी चीज़ चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स ने नोट किया है कि अम्मी कुछ ज़्यादा फ्रेश हमें इसलिए दिखाई नहीं दे रही कि शायद अम्मी और शुएब के दरमियान घर को लेकर या रूहान को लेकर या दीपिका की किसी बात को लेकर कुछ हुआ है, कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है या फिर कुछ ऐसी तलख बातें हुई हैं तो अम्मी हुई इमोशनल। तो जहाँ तक हमने देखा है तो बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है क्योंकि एक बूढ़ा इंसान है और बूढ़े माँ बाप जब हो जाते हैं ना तो वो वक्त के साथ साथ पीछे जाते हैं, आगे नहीं आते, उनकी बहुत सी बातें बातों का करने का लहजा बदल जाता है, उनकी पसंद नापसंद चेंज हो जाती है और वक्त के साथ फिर छोटी छोटी ऐसी बीमारियां जैसे आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है ब्लड प्रेशर हाई होना या लो होना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और शुगर तो आपको पता है कि अम्मी को पहले से ही शुगर है।